शासन गांव के संग अभियान चल रहा है, इसमें लाभान्वित मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, वो हमारे साथ हैं। तो मैम से जान लेते कि किस तरीके से यहां पर इनका काम हुआ है। मैम, प्रशासन गांव के संग यहां पर अभियान चल रहा है, पूरा शिविर लगाया हुआ है, तो आपका काम कितनी जल्दी हो गया या फिर किस तरीके का आपका अनुभव है? हमारा काम यहाँ आने के बाद विद इन हाफ एन आवर हमारा काम हो गया, और सच में हमें बहुत ही सुविधा हुई इस कैंप से, और इजीली हुआ सारा प्रोसेस, हमने अपनी आंखों के सामने देखा, और अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैम, आपने क्या काम करवाया है यहाँ पे? हमने एक्चुअली एक ज़मीन खरीदी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर की साइड बांदरसिंदरी गाँव के अंदर आती है जो, और हमें ना अपना मकान बनाना शुरू करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए थी, NOC चाहिए था, वो हमने यहाँ से लिया है। तो मैम थी हमारे पास, हमारे साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। सर भी हमारे साथ हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, ये जो शिविर है उसका कैसा अनुभव है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ पर सब चीज़ सुनियोजित तरीके से जो है, जो जनता है उनकी प्रॉब्लम्स का निराकरण हो रहा है, और सबको जो है मेरे हिसाब से मेरे को 15-20 मिनट के अंदर ही जो है NOC जारी हो गया है। इससे पहले आपने कहीं ट्राई किया था या फिर यहाँ पहली बार ही आ पाए? पता लगा था कि फ्रेंड्स के थ्रू पता लगा था कि प्रशासन गांव के संग प्रोग्राम आयोजित सरकार कर रही है, तो हमने यही सोचा कि बांदरसिंदरी में रहना हम चालू करेंगे, अभी NOC लिया तो क्यों ना एक बार देखा जाए, और ये बहुत अच्छा मुहिम है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो है यहाँ पर जिनका भी काम हो रहा है वो बहुत प्रशासन गांव के संग शिविर से खुश हैं, और भारतीयों की खुशी चेहरों की मुस्कान कर रही है बयान, कितना सार्थक हो रहा है प्रशासन गांव के संग अभियान। निश्चित रूप से आज इस शिविर में हमारे माँ जी, आपका काम हो गया? अभी आज तक नहीं हुआ, वो करने वाला है। आपका काम हो जाएगा, ये बता रहे हैं आपका काम। भाई साहब, इनका काम कब तक हो जाएगा? 5 मिनट। 5 मिनट। अम्मा जी, इससे पहले आपने ट्राई किया था कहीं कोशिश करी ये काम करवाने के लिए? नहीं करी थी। नहीं करी, और यहाँ पे आपका काम हो जाएगा तो क्या आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको सबको मिलेगा फायदा। आपको क्या फायदा मिलेगा रोडवेज में? कुछ भी रोडवेज में कोई MSMA किराया माफ हो जाएगा। किराया माफ हो जाएगा, और क्या होएगा? कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोमती है। कहाँ के? बांदरसिंदरी के रहने वाले। और ये जो यहाँ पे शिविर लगाए, इससे आपको फायदा मिल गया कि आपका जो काम हो गया? आपके साथ में और कोई आया जिसको फायदा मिला है इसका? इसका तो मेरे साथ में तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आप अकेले हो, तो आपको इसका जो है पूरा फायदा रोडवेज में आपको फ्री यात्रा करने को मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, यात्रा करने को चाहे मेरे को भी, जब भी तो बनाई हूँ। भाई साहब, इनका क्या काम है? यहाँ को 40% को वो है विकलांगों कार्ड, वो बन रहे। अच्छा, ये बन जाएगा। इसके बाद में कितने दिन में इनको कार्ड मिल जाएगा? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद में इनके घर पे कार्ड आ जाएगा? नहीं, इनको जाना पड़ेगा पुराना बस स्टैंड लेने के लिए। किसी के साथ पर्ची देंगे, अभी पर्ची देके भेज देंगे उसके बाद में ये कहीं जाएंगे तो ये फिर जाएंगे। तो प्रशासन गांव के संग शिविर में रोडवेज प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं अपना जो है काम किया है, और हमारे साथ अम्मा जी थी, उन्होंने बताया कि उनका काम, उन्होंने हालांकि पहले कभी ट्राई नहीं किया, बट फिर भी जो अब वो काम कर रही हैं, और उनका काम जो है जो यात्रा फ्री करने का है, वो कहीं ना कहीं इनका काम हो रहा है। 97 करें, तत्पश्चात आपकी समस्याओं का समाधान। अरे समझो, बंदा क्यों खुलवाते? जमाना सिर्फ उसे ही याद रखता है, याद जो कामयाबी की रख। और लाभार्थियों को पट्टा वितरण और अन्य जो कार्य हुए हैं उनको जो है लाभार्थियों को आवंटन आदेश देके ये कार्य हो जाए, उसके बाद जो है आपके परिवार है उनका सुनवाई होगी। सनब श्री विजय राम जी वाली बद्री जी, सनब विजय राम जी वाली शाल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित है श्याम जी, APO नरेगा।